फाइनली हम लोग पहुंच गए राव होटल। ये गुड़गांव के सेक्टर 80 में है और ये एक कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट है। और इनके मेन्यू कार्ड में धोनी की फ़ोटो है कि धोनी ने यहाँ पे कभी खाना खाया है। सबसे पहले हमने चाय मंगवाई अपने लिए, और चाय हमने मंगवाई कुल्हड़ वाली मसाला चाय, और बहुत ही अच्छी थी, प्रॉपर दूध इलायची के साथ और अदरक के साथ। तो हमने चाय के बाद सोचा कि कुछ खाया जाए। खाने के लिए हमने पराठे मंगवाए, तो जैसे ही हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ तो उन्होंने प्लेट्स, ग्लासेस, अचार और सलाद हमारे पास रख दी। स्पेशल चीज़ जो मुझे लगी यहाँ पहुँच के वो ये थी कि जो अचार था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। ज़्यादातर हम ढाबों में देखते हैं कि अचार बुरा सा होता है या कुछ भी, वो नॉर्मल सा बना के दे देते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर सील पैक्ड ओपन किया गया हमारे सामने, और अचार आप देख सकते हैं कैसा है, वेरी गुड। और खाने में भी बहुत अच्छा था। ये लीजिए, मेरा पराठा आ गया आलू प्याज का, और नूनी घी मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया था साथ में खाने के लिए, जो कि यहाँ के फेमस पराठे हैं। स्पेशली ज़्यादातर जो फैमिलीज़ यहाँ आती है वो यही पराठा खाने के लिए आती है। इस पराठे को मंगवाने से पहले ही दो पराठे हम लोग खा चुके थे और हमारा पेट नहीं भरा था, तो हमने एक और मंगवा लिया खाने के लिए। पराठे के अंदर की जो फिलिंग है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब ना ज़्यादा स्पाइसी है ना ज़्यादा नमकीन है, एकदम परफेक्ट स्टफिंग है अंदर। और पराठा का जो पोर्शन होता है वो ऐसा है कि एक पराठे से काफ़ी आपका पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, क्योंकि ये इतने टेस्टी हैं खाने में, बहुत टेस्टी है। यहाँ का खाना, हाइजीन और क्वालिटी खाने की बहुत ही अच्छी है, आपको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए यहाँ।